बागेश्वर पुलिस लाइन में आज से महिला होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा में बागेश्वर के 2430 महिला अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन 250 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया। होमगार्ड कमांडेंट LM जोशी, CO शिवराज सिंह राणा, होमगार्ड के जवान और पुलिस जवानों द्वारा भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों ने जमकर पसीना बहाया। इस दौरान कई अभ्यर्थी चोटिल भी हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया है। सभी लड़कियां, आधे घंटे का ब्रेक है सबके। आज होमगार्ड्स की महिला प्लाटून के लिए हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस मांगी थी उसकी भर्ती हमने आज शारीरिक नापजोक और शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी है। रोज़ हमने डेली 250 महिलाओं अभ्यर्थियों को यहां बुलाया है, जिनका हम लोग 250 महिलाओं में नापजोक, उनका वजन और उनकी दौड़, इसके बाद उनके क्रिकेट थ्रो और लॉन्ग जंप की परीक्षा आज लेंगे। फिर इसके बाद कंटिन्यूसली 250-250 रोज इस तरह से लेंगे और 2430 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, तो करीब 12-14 दिन का ये कार्यक्रम है, तो उसी क्रम में हम लोग भर्ती संपन्न कराएंगे।